बुधवार सुबह पुलिस लाइन सभागार में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ जनसंपर्क सभा में जवानों की समस्याएं भी सुनी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुनर्गठन जसवंत संपतराम ने पुलिस लाइन का दौरा करते हुए लाइन में जवानों के रहने की जगहों को देखा और मैस के रसोई घर में साफ सफाई व्यवस्था, खाने के समय बैठने की व्यवस्था, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया। एडीजी ने पुलिस लाइन डिस्पेंसरी में डॉक्टर प्रदीप जयसिंघानी से डिस्पेंसरी में दवाइयों की जानकारी ली और व्यवस्थाओं को जांचा। निरीक्षण के बाद एडीजी ने पुलिस महानिदेशक अमृत कलश और जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र चौधरी के साथ जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कानून व्यवस्था की समीक्षा और अपराधों पर रोकथाम के लिए अधिकारियों से बीट प्रणाली को दुरुस्त कर मुखबिर तंत्र को और मजबूत करने के निर्देश दिए। एडीजी ने बताया कि अपराधों पर रोकथाम के लिए मजबूत पुलिसिंग और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की भूमिका भी अहम रहेगी। चुनाव को सही और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना पुलिस के लिए एक चुनौती है। आज जिले के अधिकारियों से क्राइम कॉन्फ्रेंस में जिले का जो आपराधिक वातावरण है और जो जिले का साल भर का काम है उसके विषय में डिटेल में चर्चा हुई है। कुछ हमारी सीमाएं इस सेंस में रही कि काफ़ी अधिकारी नए आ गए हैं, पर ओवरऑल जो जिले का कार्य है वो संतोषप्रद रहा है, पर कार्य में सुधार की सदैव आवश्यकता रहती है। इसलिए जो हमारा अपराधी हैं उनके विरुद्ध और आईपीसी में और विशेष अधिनियम हैं उनके तहत कार्रवाई और प्रभावी इंसदादी कार्रवाई हो, और इसके अतिरिक्त जो पेंडिंग हमारे इन्वेस्टिगेशन है उनका हम त्वरित अनुसंधान करें, उनका शीघ्र निस्तारण करें। जैसा सभी की एक कंसर्न रहती है, जो महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं उन पे हमारा फोकस रहे, उनका जल्दी डिस्पोजल हो और किसी भी तरह के संगठित अपराध हैं और माफिया किस्म के एलिमेंट्स हैं उनकी अगर गतिविधियां नज़र आती हैं तो उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो। मोटे रूप से इन पे आज डिटेल में हमने चर्चा करी। मीडिया से बात करते हुए एडीजी ने कहा कि दरगाह और पुष्कर धार्मिक स्थल होने के कारण यहां खानाबदोश लोगों की संख्या बढ़ी है। ऐसे खानाबदोश लोगों को समय समय पर शहर से खदेड़ा भी जाता है और चिन्हित करके विधि के अनुसार कार्रवाई भी की जाती है। आप जो बात कह रहे हो वो सही है, क्योंकि अजमेर सिटी ऐसी है, यहाँ पे दरगाह भी है, यहाँ पुष्कर है और बड़ा धार्मिक स्थान है और हर किस्म का एलिमेंट यहाँ आता है, और खानाबदोश लोगों के आने से अपराधों की एक बढ़ने की स्थिति बनती है। पर इसके साथ साथ विभाग का ये प्रयास है, आज अपने चर्चा भी करी है, कि कांस्टेंट एक वेरिफिकेशन हो कि जहाँ भी जिस एरिया में ऐसा लगता है कोई नया आदमी आया है, अपरिचित आदमी आया है, तो उसके वहाँ पे निवास के बारे में वेरिफिकेशन होना चाहिए ताकि ऐसे आदमी चिन्हित हो सके सारे। हर साल सर उसके महीने में हजारों की तादाद में खानाबदोश शहर से बाहर किया जाता है, मगर वापस वो लोग वापस आ जाते हैं और फिर क्राइम को अंजाम देते हैं। ये संभव है कि वो वापस आ जाते होंगे, संभव है वापस आ जाते होंगे, पर जब भी जैसा भी आदमी सामने आएगा, पकड़ा जाएगा, उसको विधि के तहत जो भी प्रभावी कार्रवाई है वो पहले भी की, आगे भी की जाएगी। वहीं एडीजी जसवंत संपतराम के दौरे को कांग्रेस के पूर्व सचिव राजेश टंडन ने आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर इस घटनाक्रम पर प्रसंज्ञान लेने की मांग की है। दो दिन जन सुनवाई करके प्रचार प्रसार करके के सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, अगर ये गिनाते हो तो ये स्पष्ट तय आचार संहिता का उल्लंघन है। मैंने वीए संपत साहब को और अनिल जैन साहब को जरिए कलेक्टर ज्ञापन भेजा है कि इसको तुरंत रोकें और ये आचार संहिता की जो
अवमानना हो रही है, जिसका पालन होना चाहिए वो नहीं हो रहा, इस पर तुरंत प्रभाव से इस पर रोक लगाई जाए। क्योंकि 60 दिन की जो राजस्थान सरकार की, भाजपा सरकार की जो कार्य योजना थी, उसकी उपलब्धियों का गुणगान बखान, उसका प्रचार प्रसार ये जिलों में करने की योजना है। और कल इनका अखबारों में है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठ के जन सुनवाई करेंगे, और भी विभागों में जाके पुलिस के जितने थानों की निरीक्षण करेंगे, थानों में जन सुनवाई करेंगे। तो ऐसे में आप जो है आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन कर रहे हो, ये उसकी श्रेणी में आता है, इस पर रोक लगनी चाहिए, नहीं तो इसकी जो निष्पक्षता है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाए। नहीं, हमारा जो इंस्पेक्शन है वो शुद्ध रूप से हमारे पुलिस कार्य का जिले में इंस्पेक्शन है। वर्ष 2013 ख़त्म हुआ है, विभाग ने प्राथमिकताएं रखी हैं अपराध नियंत्रण की, प्राथमिकताएं रखी हैं रोड एक्सीडेंट्स पे नियंत्रण की, हमारे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करने की, तकनीक को किस तरीके से यूज़ करें हमारे काम में। तो जो केवल जो विभाग के डायरेक्ट दायित्व हैं और रेगुलर कार्य हैं, उनके एक वर्ष ख़त्म होने पे और नई जो प्राथमिकताएं तय हुई हैं उन पे चर्चा के लिए मैं आया हूँ। हम किसी भी आदमी की कोई शिकायत होती है और वो वरिष्ठ अधिकारियों से कोई अपनी बात को रखना चाहता है, वो महसूस करता है, और यदि वो आके मिलना चाहता है और अपनी समस्या को शेयर करना चाहता है, तो उसको एक आने का अधिकार है, अपनी समस्याएं शेयर करने का अधिकार।